ट्रेन पहुंचनी थी नई दिल्ली, पहुंच गई पुरानी दिल्ली। 1,00,000 जॉब्स के लिए 2 करोड़ लोगों ने दिए एप्लीकेशंस। बुलेट ट्रेन की डिजाइनिंग का 80% काम हो चुका है पूरा। शताब्दी के कुछ रूट्स पे आपको देने पड़ेंगे कम किराया। मुंबई सबअर्ब के प्लेटफॉर्म पर अब नहीं होंगे फूड स्टॉल्स। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रायल हुआ सक्सेसफुल और रेलवे ने यहाँ पे बनाया है एक नई टाइप की वैगन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मैं शुभम कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेन टॉक्स के 30th एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। और आपको कैसा लगा ये हाईलाइट वाला फीचर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की जो पहली न्यूज है वो है पानीपत न्यू दिल्ली पैसेंजर को लेकर के। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये इस न्यूज को बहुत ज्यादा हाइप मिल चुका है। न्यूज ये थी कि भाई ये ट्रेन को न्यू दिल्ली पहुंचना था, बट ये ट्रेन पहुंच गई है पुरानी दिल्ली। अब ये हुआ क्यों? सदर बाजार स्टेशन के जो पैनल ऑपरेटर है उससे ये गलती हो गई। उसको ये लगा कि ये सोनीपत पुरानी दिल्ली पैसेंजर है जो कि इसके पीछे आ रही थी, और उसने सोनीपत ओल्ड दिल्ली पैसेंजर समझ के पानीपत न्यू दिल्ली पैसेंजर को ओल्ड दिल्ली का रास्ता दिखा दिया। अब इससे हुआ क्या कि भाई एक तो परेशानी हुई, और जैसे ही इनको समझ में आया कि इनसे गलती हुई, इन्होंने फर्दर ट्रेन को रिवर्स बैक करा और उसको न्यू दिल्ली भेजा। बट लॉस तो हो चुका ना, अब इस लॉस का भुगतान करो कैसे करेंगे? जो पैनल ऑपरेटर था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, और साथ ही साथ उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई गई है, ऐसा कुछ रेलवे ऑफिशियल्स ने यहाँ पे कहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 90,000 वैकेंसीज निकली हुई है रेलवे के अंदर ग्रुप डी की, बट रेलवेज ने अभी एट प्रेजेंट तक ये दावा करा है कि 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है इसको लेकर के, 2 करोड़ से ज्यादा, और अभी भी 5 दिन बाकी हैं उसके इसकी डेडलाइन के अंदर, तो ये और ऊपर जाएंगी। तो आप ये बात सोचिए कि 90,000 पोस्ट है और 2 करोड़ एप्लीकेशन है, मतलब कि 90,000 पोस्ट को देने की सैलरी तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। कैलकुलेशन पे मैं नहीं जा रहा, आप सोच सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी इनकी सैलरी आ चुकी है अगर कुछ छोटी मोटी फीस है एप्लीकेशन को लेकर के। तो दोस्तों, यहाँ पे बुलेट ट्रेन की डिजाइन का 80% काम जो है रेलवेज ने कंप्लीट कर लिया है। अब उन्होंने क्या कर लिया है कि जो टनल्स बनानी है, जो ब्रिजेस बनानी है, उनको कंप्लीट कर लिया है। और कुछ डेटा दिया है मुझे, मुझे मिला है यहाँ पे बुलेट ट्रेन को लेकर के, कि अगर आपको बांद्रा से थाने तक ट्रैवल करना है तो आप 10 मिनट में ट्रैवल कर पाएंगे इसके बनने के बाद। अगर आपको विरार तक जाना है बांद्रा से तो आप 24 मिनट में जा सकते हैं। बेसिकली 2 टाइप की ट्रेन होने वाली है, एक स्लो और एक फास्ट। जैसे आपकी मुंबई की सबअर्ब होती है, सेम उसी टाइप से ये रहेगी। और इसके बाद अगली बात है, और लगभग ये जो ट्रेन है दिन के 70 ट्रिप लगाई करेगी, 70 राउंड ट्रिप, मतलब 35 ईच साइड। और इस ट्रेन के अंदर 10 बिजनेस क्लास कोचेस होंगे और 9 स्टैंडर्ड कोचेस, मतलब 19 डब्बों की ये पूरी ट्रेन रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवेज ने पहले एक स्कीम चलाई थी जिसके तहत रेलवेज ने शताब्दी के 2 रूट्स पे किराया एकदम कम कर दिया था, मतलब एक स्टैंडर्ड किराया ले रही थी। वो रूट थे जयपुर टू अजमेर एंड वाइस वर्सा, एंड बेंगलोर टू मैसूर एंड वाइस वर्सा। इन दोनों ही रूट्स पे अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप मात्र 300 रुपये देकर शताब्दी से ट्रैवल कर सकते हैं। अब रेलवेज ने यहाँ पे 25 और रूट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनके अंदर भी अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको एक फिक्स परसेंटेज अमाउंट देनी होगी जो भी रेलवे सेट करेगा, और आप उसमें जा सकते हैं। बेसिकली रेलवेज का ये इंटेंशन है कि इन रूट्स पे जो पैसेंजर है उनकी ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 रूट्स पे ऐसा किया गया था। तो रेलवे को लगभग यहाँ पे 47% का एक आपको कह सकते हैं रेस देखने को मिला था। तो उससे खुश होकर रेलवे ने अब और रूट्स पे भी ऐसा करने की सोच रही है। यहाँ पे news.com की मदद से हमें एक न्यूज मिली है कि मुंबई के जितने भी सबअर्ब हैं, मतलब जितने भी सबअर्ब वाला सेक्शन है, उसके अंदर आपको फूड स्टॉल नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म पे। रेलवे का यहाँ पे इंटेंशन ये है कि भाई प्लेटफॉर्म बनाया है हमने लोगों के आवागमन के लिए, मतलब एक फ्री फ्लो ऑफ पैसेंजर हो सके, बट यहाँ पे जो फूड वेंडर्स हैं वो जगह घेर लेते हैं, जिस वजह से फ्री फ्लो ऑफ पैसेंजर नहीं हो पाता और हमें एल्फिस्टन रोड जैसे कुछ हादसे देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक सवाल ये भी उठा कि भाई अब आप फूड वेंडर को हटा रहे हो तो वो कहाँ जाएंगे? तो रेलवे ने अभी सिर्फ ये कहा है कि जितने ही फूड वेंडर होंगे वो टिकट से जो काउंटर होते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, वहाँ रहेंगे या उसके बाहर के एरिया में रहेंगे, बट प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेंगे। और देखते हैं कब ये रूल अप्लाई होता है, कब रेलवे हमारी इतनी बातों को मानता है। दोस्तों, बहुत टाइम से इंतजार था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कब आएगा।
फाइनली इसका जो ट्रायल रन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे एक लोकोमोटिव चला के देख लिया गया है, 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड तक वो पहुंच भी गया है। अगेन बहुत बहुत अच्छी बात है। अभी फ्रेट कॉरिडोर को चलाया गया था अतेली से लेके फुलेरा के बीच में, ये दो स्टेशन पड़ते हैं, 190 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है और इस स्ट्रेच को यहाँ पे 3 घंटे 52 मिनट के अंदर ट्रेन ने कवर भी कर लिया था। जल्दी यहाँ पे 31 मार्च से पहले पहले ईस्टर्न कॉरिडोर जो है उसको भी करके देख लिया जाएगा, एक बार ट्राई कर लिया जाएगा, सो दैट कम से कम ये दो रूट तो यहाँ पे फिक्स हो सके। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेलवेज ने एक अलग टाइप की वैगन लाई है, अलग टाइप की तो नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करिए क्योंकि मैंने पहले देखी हुई है, इसको ये कह रहे हैं रोड रेलर ट्रेन। अब जो भी कंपनीज हैं उनकी जो भी शिपमेंट है वो रेलवेज जो है उनके डोर स्टेप पे डिलीवर करेगा। कैसे करेगा? अब ये जो वैगन है ये पटरियों पे भी चल सकती है और रोड पे भी चल सकती है, मतलब इसके व्हील्स को हिसाब से बनाया गया है कि इसे आप पटरी पे भी चला सकते हैं और रोड पे भी चला सकते हैं, तो जहां तक ट्रेन जाती होगी वहां तक तो ये उन वैगन ट्रेन पे जाएंगे, आपका सामान ट्रेन में जाएगा। और कंपनी की शिपमेंट का डोर स्टेप जहां है वहां से ये पूरी वैगन अलग अलग होगी, एक ट्रक में कन्वर्ट हो जाएंगी और वो ट्रक जाएगा उसके बाद। सो अगेन थोड़ा सा प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगी, कुछ ज्यादा बहुत ऊपर नीचे नहीं करा गया है। यहीं पे खत्म होता है दोस्तों आज का ये ट्रेन टॉक्स का एपिसोड। मुझे आप लोग बताना कि आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बाय बाय।